से कर
रहा हूँ। इसी तरीके से इनके भी नींव होती है, इनके फॉर्मूलाज होते हैं जिस बेस पर सेंटेंस बनाए जाते हैं। ठीक है, असर्टिव में क्या होता है बेटा, अपना सिंपल सा है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये अपना स्ट्रक्चर हो, सीधा सा है। इसमें स्टार्टिंग में सब्जेक्ट में कैपिटल लेटर का यूज होता है, जैसे मान लो राम इज प्लेइंग फुटबॉल, लास्ट में फुल स्टॉप। नेगेटिव में क्या होता है, ये स्ट्रक्चर होता है, बस फर्क ये है कि उसमें नॉट या फिर नो का यूज किया जाता है, बस ये फर्क है इसमें और कुछ नहीं। वही लास्ट स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर, लास्ट में फुल स्टॉप पर, बीच में नो नॉट या फिर नेवर का यूज किया जाता है। इंटरोगेटिव में क्या होता है बेटा, या तो डब्ल्यू एच वर्ड दिया होगा या फिर ऑक्सिलरी वर्ब दी हुई होगी। ऑक्सिलरी वर्ब जो हम टेंस में यूज करते हैं, इज एम आर हैज एव डू डज, ये आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑक्सिलरी वर्ब और फिर उसके बाद होती है, होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क डेफिनेटली आपको मिलता है, तभी तो क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनते है ना। और इनमें क्या होता है, इनमें हमेशा वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, इस तरीके से वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इस तरीके से सब्जेक्ट नहीं होता है इनमें। या फिर हम यू कहते हैं सजेशन वालों में सब्जेक्ट होता है, यानी कि इन तीनों के अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं, इसका अलग फॉर्मूला होता है, इसका अलग होता है, इसका अलग होता है। ठीक है बेटा, ये आपके सेंटेंसेज है, आपको इस तरीके से करने हैं। और बाकी जो अपनी ये एक्सरसाइज रहती है इंटरोगेटिव वाली, वो हम आज के असाइनमेंट में आपको करवाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू।